हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टर डीएम हेल्थकेयर कंपनी के बारे में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थकेयर सर्विस प्रोवाइडर है मिडिल ईस्ट कंट्रियों में, और ये ऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और फार्मेसीज। और इनका जो ऑपरेशंस मिडिल ईस्ट में, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में है, और इसके अलावा इंडिया में और फिलीपींस में भी ये ऑपरेट करते हैं। और कंपनी का जो मिडिल ईस्ट के लिए इनका जो हेडक्वार्टर्स ये दुबई में है, और इंडियन ऑपरेशंस के लिए इनका जो हेडक्वार्टर्स ये कोच्ची केरला में है। और ये मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, फार्मेसीज है। और मिडिल ईस्ट में ये ऑपरेट करते हैं कुछ ब्रांड नेम्स, जैसे एस्टर, मेडकेयर और एक्सेस ब्रांड के नाम से ये ऑपरेट करते हैं। और इंडिया में ये ऑपरेट करते हैं एस्टर, मिम्स, रमेश और प्राइम ब्रांड के नाम से। और इंडिया में कंपनी के कुछ हॉस्पिटल्स है जो लोकेटेड है कोच्ची, कोल्हापुर, कोझिकोड, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर और हैदराबाद में। और ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो है मिडिल ईस्ट में, इसमें अराउंड 7 हॉस्पिटल्स है, 89 क्लिनिक्स और 202 रिटेल फार्मेसीज हैं। और इंडिया में अराउंड 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, 6 क्लिनिक्स है और फिलीपींस में इनके एक क्लिनिक है। अब बात करते हैं कंपनी के जो ब्रांड्स है, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इनका कौन कौन से ब्रांड है और इनका ज्योग्राफिक प्रेजेंस कहाँ पर है। जैसे ये कुछ ब्रांड्स हैं एस्टर क्लिनिक, एस्टर फार्मेसी और एस्टर हॉस्पिटल के नाम से मिडिल ईस्ट में रन करते हैं, और ये सारा डिटेल दिया है कौन कौन से कंट्री में उनके प्रेजेंस हैं। और अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो इनका जो हॉस्पिटल्स ये कुछ नाम है, जैसे एस्टर मेड सिटी, एस्टर मिम्स, एस्टर आधार हॉस्पिटल, एस्टर प्राइम हॉस्पिटल और रमेश हॉस्पिटल के नाम से रन करते हैं। और ये ऑपरेट करते हैं केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश स्टेट्स में। और इनका जो क्लिनिक है ये एस्टर क्लिनिक के नाम से ऑपरेट करते हैं केरला, तेलंगाना और कर्नाटका में। अब देखते हैं कंपनी के कौन कौन से अपकमिंग हॉस्पिटल्स हैं और कहां पर हैं। ये सारा डिटेल दिया हुआ है इनके मिडिल ईस्ट में। देखिए, 4 हॉस्पिटल्स का प्लान है, जिसमें से एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक डिजाइन फेज में है और एक प्लानिंग फेज में है। और ये देखिए, इसमें कुछ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट है। और इसके अलावा देखिए, सारा डिटेल दिया है इनका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम 2018-19-2021, इन इतने सालों में ये स्टार्ट होगा सारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पर देखेंगे अभी हम रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रीजन वाइज और सेगमेंट वाइज कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों से अराउंड 84% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, इंडिया से अराउंड 16% और फिलीपींस से अराउंड नेग्लिजिबल अराउंड 0.03%। और अगर हम बिजनेस सेगमेंट वाइज देखेंगे तो हॉस्पिटल से अराउंड 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, क्लिनिक से अराउंड 27% और फार्मेसी से भी अराउंड 27%। अब देखते हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव्स क्या है। देखिए, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, इनका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ये स्प्रेड आउट है वेरियस कंट्रीज में मिडिल ईस्ट में। और इसके अलावा कंपनी का जो इंडिया में भी प्रेजेंस है, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ग्रोथ का, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि देखिए, इनका जो बेड कैपेसिटी था FY13 में अराउंड 1400 बेड था, और वो FY17 में आते आते 3 गुना बढ़ गया है, अराउंड 4651 बेड्स हैं कंपनी के ऑपरेशनल बेड्स इंडिया में। और उसके अलावा देखिए, कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड मिडिल ईस्ट में, यानी इंडिया से ज़्यादा है मिडिल ईस्ट में एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और वो FY13 में अराउंड 93,000 था, और अभी FY17 में अराउंड 1,30,000 है। और इंडिया में भी कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड FY13 में अराउंड 8,000 था, और अभी वो 3 गुना बढ़कर अराउंड 22,000 हो गया है। यानी इनका जो ग्रोथ पैरामीटर से बहुत अच्छा है। और ये कंपनी कुछ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी कंपनी सोच रहा है Tier 1 और Tier 2 सिटीज में, जैसे बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कन्नूर, कोझिकोड, ये इसके अलावा मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में भी कंपनी के प्लान से हॉस्पिटल स्टार्ट करने के। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो FY13 में रेवेन्यू था अराउंड 1938 करोड़, FY14 में 2900 करोड़, FY15 में 3900 करोड़, FY16 में अराउंड 5275 करोड़ और FY17 में अराउंड 5967 करोड़। और नेट प्रॉफिट वाइज भी देखिए, इनका 91 करोड़ था FY13 में, और FY15 में आते अराउंड 272 करोड़, और FY16 में बहुत बड़ा एक डिप आया है, 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और उसके बाद वो कंपनी ने वापस स्टेबलाइज हुआ है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, और FY17 में अराउंड 266 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। यानी रेवेन्यू वाइज भी बहुत अच्छा ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट वाइज भी बहुत अच्छा ग्रो किया है FY16 के अलावा। और इनका जो FY17 के EPS बैठता है अराउंड 4.28, रिटर्न ऑन नेट वर्थ अराउंड 10.59 और NAV बैठता है अराउंड 40 रुपीज। और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।